भवानी मंडी के रामनगर में कॉफी के रुपयों के लेन देन को लेकर हुआ विवाद। कैफे मालिक ने सरिये से दो युवकों के सिर पर किया वार। एसआई ओम सिंह झाला ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि दो युवक शाम के समय रामनगर के हाईवे रसोई नाम के कैफे पर कॉफी पीने गए थे, जहां कॉफी पीने के बाद पेमेंट ऑनलाइन कर दिया गया था, जिसके बाद ज्यादा कीमत को लेकर कैफे मालिक व युवकों में आपसी विवाद हो गया, जिसमें मामला गंभीर होने पर कैफे मालिक ने शटर खोलने के लोहे के हत्थे से दोनों युवकों के सिर पर वार कर दिया, जिसमें सेवली बख्ता निवासी राजेंद्र सिंह पुत्र कृपाल सिंह व मक्सी निवासी जितेंद्र सिंह पुत्र श्याम सिंह को सिर पर गंभीर चोट आई है, जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए चिकित्सालय भेज दिया गया है, जहां पुलिस ने दोनों घायलों के पर्चा बयान लेकर मामला दर्ज कर लिया है, जिस पर जांच की जा रही है। बीपी न्यूज संवाददाता किशोर तंवर की रिपोर्ट, भवानी मंडी राजस्थान से। खबर क्या मामला हुआ यहाँ पे? यहाँ पे नहीं हुआ, ये रामनगर में कोई लड़के हैं राजेंद्र सिंह और जितेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह तो सेवली बख्ता का रहने वाला है और जितेंद्र सिंह नागेश्वर उन्नेल में पड़ता है, मक्सी गांव का रहने वाला है। ये दोनों वहाँ एक कैफे है रामनगर में, उस पर कॉफ़ी पीने गए थे जी। वहाँ कॉफ़ी वाले ने हाईवे रसोई के नाम से है रामनगर में कॉफी कैफे, तो वहाँ जाके इन लोगों ने कॉफ़ी के लिए पूछा, भाई कॉफ़ी कैसे दे रहे हो? तो उसने बताया कि भाई 30 रुपये की एक कॉफ़ी, 60 रुपये है। इन लोगों ने कॉफ़ी पी, उसके बाद में उसने दुकानदार ने कहा कि 80 रुपये की एक कोल्ड कॉफ़ी है, तो 160 रुपये बनते हैं। इन लोगों ने फ़ोनपे भी कर दिया। फ़ोनपे करने के बाद में इन लोगों ने कहा कि भाई पैसे ज़्यादा ले रहे हो, तो इसी बात में इनके आपस में बोलचाल हो गई। बोलचाल होगी तो थोड़ी सी बात बढ़ी, तो दुकानदार ने उसका जो शटर खोलने का हत्था था उसकी उठा के जितेंद्र सिंह के और राजेंद्र सिंह के सिर में मार दी है। राजेंद्र सिंह के पर्चा बयान ले लिए हैं, उस पर मुकदमा दर्ज करके जाँच करेंगे, जो भी कार्रवाई होगी उचित कानून। चोट ज़्यादा आएगी सर? चोट तो अब डॉक्टर साहब बताएंगे, उसका मेडिकल करवा दिया है, जो भी डॉक्टर साहब देंगे MLC रिपोर्ट, उसके आधार पर जो भी धारा बनेगी। किसी आरोपी को गिरफ्तार किया? अभी तो इनके पर्चा बयान लिए, जो आगे FIR दर्ज होने के बाद जो भी चीज़ होगी वो कार्रवाई करेंगे। अभी तो सूचना मिली थी, यहाँ हॉस्पिटल में पर्चा बयान लेने आए हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।